हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिटेल्स कवर करेंगे। पीएचडी एडमिशंस की नोटिफिकेशन आई हुई है। फेलोशिप है 38,440 पर मंथ, फेलोशिप टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट होंगे पीएचडी एडमिशंस के लिए, उन सभी के लिए फेलोशिप या स्टाइपेंट है। तो पूरी डिटेल हम कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम डिटेल्स के लिए। आज मैंने अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर बहुत अच्छी जॉब पोस्ट की हुई है। यूको बैंक से स्टैटिस्टिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स सीए बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए, एमटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी जॉब आई हुई है यूको बैंक की तरफ से। वो जाकर आप देख सकते हैं फेसबुक ग्रुप पर। और साथ ही साथ एक शॉर्ट टर्म जॉब भी आई हुई है 6 मंथ्स के लिए, जिसमें बीटेक एमबीए एमसीए बीएससी बीकॉम एमए वाले 12th पास कैंडिडेट 10th पास कैंडिडेट सबके लिए कुछ ना कुछ जॉब है। तो वॉक इन इंटरव्यू है। वो सारी डिटेल अगर आप देखना चाहें तो मेरी फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों की लिंक, दोनों ही ग्रुप्स की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन की। सबसे पहले हम देख लें स्टाइपेंड पॉइंट जो है, उसके बाद की डिटेल हम देखते हैं। 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ। जो हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करेंगे, उन्हें एचआरए नहीं मिलेगी, 31,000 ओनली। बाकी जो बाहर रहेंगे आउट ऑफ हॉस्टल, उन्हें 24% और मिलेंगे। अब यहां पर मैं बता दूं कि जो एग्जामिनेशन के थ्रू होगी और डायरेक्ट भी होगी, तो एग्जामिनेशन के थ्रू जिनकी सिलेक्शन होगी, उनके बहुत सारे सेंटर्स हैं, 10 एग्जाम सेंटर्स हैं। मुंबई में है, पुणे में है, दिल्ली, कोलकाता, एनसीआर दिल्ली, इंदौर, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, वाराणसी एंड चेन्नई, इन सब जगहों पर होंगे आपके एग्जामिनेशन। और डायरेक्ट सिलेक्शन भी है। मैं दोनों ही केसेस आपको बताती हूँ। जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, एमएससी अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जूलॉजी, एमटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीएससी, एम फार्मा। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं। जिनके पास ये डिग्री है इनमें से कोई भी और 55% या अबव मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, वो एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो सकते हैं। ये आई हुई अपॉर्चुनिटी आपकी टाटा मेमोरियल सेंटर खारगर न्यू बॉम्बे में है। इसको एड मिलती है ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एड मिलती है और ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप के थ्रू, मतलब इंडिविजुअली एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और फेलोशिप भी देंगे और पीएचडी में एडमिशन भी लेंगे। इस तरीके से एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर पीएचडी इन लाइफ साइंसेज। तो ये खुद जेआरएफ के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे पीएचडी कराने के लिए। तो आपको जेआरएफ भी मिलेगी और पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगी इसके थ्रू। तो ये अगर बात करें, दूसरे मेथड है इसमें एडमिशन लेने की, डायरेक्ट इंटरव्यू भी होगी। एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी जिनके पास ओनली मास्टर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स क्लियर किए हैं जैसे डीबीटी, आईसीएमआर, यूजीसी, सीएसआईआर, तो उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी सिलेक्ट किया जा सकता है। और इंटरव्यू डेट्स एटसेट्रा, जो लास्ट डेट है इसके एप्लीकेशन की, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है पीडीएफ में। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेडलाइन 15 दिसंबर 2020 है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देखते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ऑनलाइन इसकी लिंक जारी नहीं हुई है। यहाँ पर आप देखें जेआरएफ 2020-21 एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल सून। तो इनमें से किसी पर भी आप क्लिक करें तो आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगी आपकी। डाउनलोड होने के बाद आप पूरी तरह से उसको रीड आउट करें। फी भी है, फी मैं आपको बता देती हूँ, 750 रुपीज फी है, सॉरी 725 रुपीज फी है। और लास्ट डेट है 15th दिसंबर। आप अगर इंटरेस्टेड हो पूरी डिटेल देखने में तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जेआरएफ, यहाँ पर सेक्शन में बार बार स्क्रॉल हो रहे हैं, यहीं पर एक या दो है पीडीएफ जो आपके यूज के हैं, तो आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।